अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको हम वेलकम कहते हैं। कैसा दिया भाई न्यूजीलैंड? सही नहीं दिया, मजा आ गया ना भाई? बहुत मजा आ रहा है भाई आजकल वर्ल्ड कप देखने का। और जो पाकिस्तानियों की उम्मीदें थी उनसे कुछ ज्यादा ही जो पाकिस्तानी टीम है ना वो अपना वर्क कर रही है और एक टीम अप और एक टीम वर्क हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज, पाकिस्तानी टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर वर्ल्ड कप। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आप इसी तरीके से यूनिटी और साथ के साथ मेहनत दिखाते रहे तो वर्ल्ड कप भी जरूर जीतोगे। और आज की टेक बोल चाल में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई वीवो जो है वो कुछ अपनी एंड्रॉइड 12 की अपडेट जो है वो शो कर रहा है कि कौन कौन से फोन पर आने हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब अपनी नई कुछ पॉलिसीज डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला है और रेडमी नोट 11 सीरीज भाई बड़ी सरगर्म चल रही है आजकल, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी यूआई 3.0 कब किन फोन में आने वाला है। इसके अलावा रेनो 7 की भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। तो आज किस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के, तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये YouTube की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर YouTube बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है ऐसे कंटेंट जो कि बच्चों के लिए अपलोड किए जाते हैं उन कंटेंट्स को डीमोनेटाइज करेगा, जो कि बच्चों के लिए है नहीं लेकिन अपलोड जो है बच्चों का बता के किया जाता है। मतलब जब हम लोग अपलोड करते हैं तो वहां पर आता है कि यस दिस कंटेंट इज मेड फॉर किड्स और नो दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि ये बच्चों के लिए कंटेंट है और उसकी मोनेटाइजेशन से जो है वो पैसे कमाते हैं। तो भाई अब आपका चट्टा बिट्टा जो है ना वो यूट्यूब खोलने जा रहा है, अब आपका चैनल जो है वो जो है मोनेटाइज नहीं होगा और ऐसे चैनल्स पर कोई भी एड जो है वो प्ले नहीं होगी। और यूट्यूब ये कहता है कि जो कि हेट स्पीच है, जो बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है और बच्चों को इररिलेवेंट एड्स उन पर देखने को मिल रही हैं, उन चैनल्स को जो है फिलहाल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे क्रिएटर हो तो भाई सुधर जाओ, अच्छी बात है, थैंक यू। और अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये वीवो की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर वीवो ने एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, सामने आ गई है, जहां पर एंड्रॉयड 12 का जो स्टेबल अपडेट है वो आपको इन फोन में इन टाइम डोनेशन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले नवंबर के महीने में X70 Pro Plus जो कि पाकिस्तान में नहीं आता उसमें आएगा। उसके अलावा X60 सीरीज के तीनों फोन्स के अंदर जो है वो आपको दिसंबर में अपडेट देखने को मिलेगी और इसी तरीके से V21। और अगर Y72 5G यूज कर रहे हो तो तब आपको दिसंबर के महीने मिलेगी, जनवरी तक वेट करना है। बाकी जो कि इस साल के लॉन्च फोन है 2021 के उनके अंदर आपको अपडेट मिलेगी, जैसा कि वीवो का X70 Pro है, वीवो V21e है, Y21 है, Y51a है और Y31 है। और मार्च में जाके भाई कुछ फोन जो है वो मेंशन किए गए हैं कि जिनके अंदर आपको जो है वो अपडेट देखने को मिलेगी, जैसा कि वीवो V20 Pro और जो थोड़े से पुराने फोन है जो कि 2020 के फोन है उनमें आपको अपडेट मिलेगी। इसी तरीके से अप्रैल 2022 तक आप वेट कर सकते हैं। और S सीरीज का सिर्फ S1 Pro ऐसा मॉडल है जिसमें जो है एंड्रॉइड 12 की अपडेट आएगी। अगर आप वीवो का S1 Pro यूज कर रहे हो तो आपको अप्रैल 2022 का वेट करना होगा। और अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो रियलमी अपने UI 3.0 की अपडेट जो है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर रहा है। लाइक रियलमी GT जो यूज कर रहे हैं उनको तो अक्टूबर में मिल जाएगी, उसके बाद दिसंबर के महीने में रियलमी GT Neo 2 और GT मास्टर एडिशन जो कि नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाएगा उसमें आपको 3.0 की जो अपडेट होगी रियलमी की UI की वो आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। यहाँ और भी कुछ मॉडल है जैसा कि नार्जो 50A है, नार्जो 30 है और रियलमी X7 Pro है। उसके अलावा रियलमी 8 4G वेरियंट जो कि यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी और 8 Pro भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। काफी लंबी सी लिस्ट है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल शेयर कर देंगे और वैसे भी आपके सामने आ रही होगी। और दोस्तों ये जो मोबाइल फोन कंपनीज है ना ये 2024 तक बहुत सारी चीजों को चेंज कर चुकी होंगी। यहाँ पर Xiaomi जो है वो बिल्कुल नॉट कमिंग स्लो। Xiaomi ये कहता है कि 2024 तक हमारी जो मास प्रोडक्शन है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो तैयार कर ली गई है। जो Xiaomi है वो ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर चुका है कि 2024 तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपनी उतारना स्टार्ट कर देंगे। और अगर Xiaomi कर रहा है तो इस तरह के मोबाइल फोन ब्रांड्स बहुत सारे इस चीज में इंटर होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सेलफोन नहीं भाई, अब हमें जो कार्स हैं उनके अंदर भी काफी हद तक कंपटीशन भी देखने को मिलेगा और साथ के साथ हमें वैल्यू फॉर मनी कार्स भी मिलने वाली है। लेकिन 2024-25 का ही हमें वेट करना पड़ेगा। और भाई आते हैं इस टेक बोलचाल की मेन न्यूज। वैसे मैं डेडिकेटेड इस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं लेकिन मैं वेट कर रहा हूं ये सीरीज जरा पूरी तरीके से रिवील हो जाए। ऑल्दो हो चुकी है Redmi Note 11 सीरीज जो कि 28 अक्टूबर को चाइना की मार्केट में लॉन्च की जाएगी। और इस दफा भाई जो लीक्सर हैं, जो लीक्स करते हैं, ट्वीट करते हैं, उन्होंने तो भाई हद ही कर दी। पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है Redmi Note 11 सीरीज। कुछ की स्पेसिफिकेशन यहां पर बिल्कुल सामने आ चुकी हैं, जहां पर Redmi Note 11 सीरीज का जो सबसे छोटा वेरियंट होगा वहां पर आपको जो है वो IPS पैनल मिलेगा और Redmi Note 11 Pro और एक Pro Plus आपको मॉडल मिलने वाला है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज के साथ AMOLED पैनल और साथ के साथ ये बताया जा रहा है
कि आपको जो प्रो होगा उसमें डायमंड सिटी 920 वाला हार्डवेयर देखने को मिलेगा और प्रो प्लस में डायमंड सिटी 1200 वाला देखने को मिल जाएगा और बाकी यहाँ 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रो प्लस वाले वेरिएंट में बताई जा रही है कि देखने को मिल सकती है और 28 तारीख को फाइनली लॉन्च हो जाएंगे। तो उस दिन हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक वीडियो दे रहे होंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट पाकिस्तान में, कब आएगा कब नहीं, अभी कंफर्मेशन होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे चैनल पर ये वाली जो प्रॉपर अपडेट आएगी रेडमी नोट 11 सीरीज को लेकर वो आपको मिलने वाली, क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्यूरीज कर रहे थे भी कब आएगा कब नहीं, तो उस वीडियो को आपको वेट करना होगा। और भाई ये वाली अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो फोन लेते हैं तो सबसे पहले पबजी के ग्राफिक्स चेक करते हैं। तो भाई आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि पबजी अब एक नया पबजी न्यू स्टेट करके एक नया गेम लॉन्च करने जा रहा है। ये चाइनीज जो है इसमें इन्वेस्टर नहीं है, इसमें कोरियन वाले डायरेक्ट होने वाले हैं। क्राफ्टोन जो है वो बकायदा जो है अनाउंस कर चुका है कि 11 नवंबर को पबजी न्यू स्टेट ग्लोबली जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने भी रजिस्टर करवाया हुआ है। फिलहाल यहाँ कुछ जो हमारे पास जो टीजर्स निकल कर आए हैं उसके अंदर देखा यह जा रहा है कि इस चीज को जो अब मैप जो सेट आउट किए गए हैं वो 2051 की कोई वॉर जोन से जो है वो अटैच किए गए हैं और बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है यहाँ पर। जो वॉर जोन हमें कॉल ऑफ ड्यूटी में देखने को मिलता है उसी तरीके का जो है हमें थीम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मैप में कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं और हम लोग की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग पबजी न्यू स्टेट पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाए बट आजकल आप लोग पाकिस्तान के मैच देखने में बिजी हो तो भाई हमें नहीं लगता कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आज की टेक बोलचाल में हमने आपको बता ही दिया ना कि पबजी न्यू स्टेट आ रही है और जब 11 नवंबर को रिवील होगी फर्स्ट इंप्रेशन के साथ बात करेंगे कि क्या हमारे एक्सप्रेशन है पबजी न्यू स्टेट के साथ के क्या नहीं। वैसे आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि पबजी की जगह अगर पबजी न्यू स्टेट आता है तो आपको क्या लगता है कि क्या पबजी को कटआउट कर पाएगा, क्या आप उसकी तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों यहाँ पर रेनो 7 सीरीज, ओप्पो रेनो 7 सीरीज के कुछ पेटेंट सामने आ चुके हैं। यहाँ पर जो सामने डिजाइन है वो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है और लेट्स गो डिजिटल ने ये जो पेटेंट्स हैं ये रिवील किए हैं, जहां पर फ्रंट साइड पर 5-volt डिस्प्ले देखा जा सकता है, एक साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल रही है, एक साइड पर ही आपको जो है ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको बॉक्सी डिजाइन जो कि रिसेंटली आप लोगों का एप्पल के बाद जो है ना वो मतलब लोगों का क्रेज बन चुका है बॉक्सी डिजाइन, तो यहाँ पर आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा। और बाकी रियर पर आपको वर्टिकल शेप में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल रहे हैं, 3 बड़े बड़े कैमरा है, एक छोटा सा कैमरा देखने को मिल रहा है। ओप्पो की ब्रांडिंग है जो कि सेंटर में देखने को मिल रही है और फ्रंट साइड पर आपको बेजल जरूर फील हो रहे हैं लेकिन फ्लैट डिस्प्ले वाले में होंगे, कर्व डिस्प्ले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होने वाले हैं। जो प्रो वेरिएंट होगा वहां पर कर्व ही होगा। और रेनो 7 सीरीज की अगर बात करते हैं तो रेनो 6 और 6 प्रो तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में अभी एक इसी महीने तो 6 प्रो लॉन्च हुआ है, पिछले महीने रेनो 6 लॉन्च हुआ है, तो 6 महीने का टेनोवर आप लगा सकते हैं कि 6 महीने बाद ही पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। ग्लोबल मार्केट में जनवरी में ओप्पो अपनी रेनो सीरीज 7 उतारेगा, रेनो 7 सीरीज को उतारेगा, प्रोबेबली जनवरी एंड हो या फरवरी स्टार्ट हो, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में आपको अप्रैल तक, मार्च एंड या अप्रैल तक ही रेनो 7 सीरीज देखने को मिल सकती है। और अगर आप रेनो सीरीज के फैन हो तो भाई आपको अब मजीद 6 महीने वेट करना पड़ेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट भाई टेक्नो को हम कैसे भूल सकते हैं, हमने अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में टेक्नो कैमन 18 सीरीज के बारे में तो जरूर बता दिया है कि पाकिस्तान की मार्केट में आएगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है जो कि ये कंफर्म कर रही है कि नेक्स्ट मंथ मिड तक टेक्नो अपनी स्पार्क सीरीज के भी कुछ नए सक्सेसर, जिसको स्पार्क 8 आप कह सकते हैं, वो पाकिस्तानी मार्केट में जरूर उतारेगा। तो ये एक एडिशन हम कर देते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में, मैंने बताया था कि जो कंफर्म है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी चीजें जो है मैं अपने टेक बोलचाल की वीडियो में बताऊंगा। तो स्पार्क 8 सीरीज का अगर आप वेट कर रहे हो तो भाई आपको 15 से 20 नवंबर तक का तो वेट करना पड़ेगा। तो आज की टेक बोलचाल बस इतनी थी भाई, सबसे खुशी ज्यादा खुशी तो थी पाकिस्तान जीत गया न्यूजीलैंड से और इंडिया से, अब बाकी ग्रुप के बंदे जो हैं थोड़े से हल्के हैं, लेकिन अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेना भाई, कोई भी टीम हल्की नहीं होती, जो अच्छा खेलती है जिसका नसीब जिस दिन खेलता है ना भाई उस दिन उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कांग्रेचुलेशन अगेन पाकिस्तानी टीम को और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग किसी नए रिव्यू किसी नए कंपैरिजन के साथ, तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मार सकते पाकिस्तान पैंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।